जिंदा स्वस्थ व्यक्ति को बना दिया मुर्दा, अब भी चल रही हैं सांसें। मध्य प्रदेश में वैसे तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बावजूद एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला धार जिले का है, जिसमें कोविड अनुग्रह लिस्ट में 6 नंबर पर दर्ज सुभाष पाटीदार धामनोदवा, 9 नंबर पर धर्मपुरी के सुधीर शर्मा को कोविड अनुग्रह मृतकों लिस्ट के आधार पर मृत घोषित कर दिया गया। अब देखने की बात तो यह है कि जिले से लिस्ट आई है, यह नाम कहां से जुड़े, किसने जोड़े, कैसे जोड़े, यह जांच का विषय है। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते सुभाष पाटीदार निवासी आशीर्वाद कॉलोनी निवासी धामनंद व सुधीर शर्मा निवासी धर्मपुरी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जो कि स्वस्थ होकर सकुशल अपने परिजनों के पास पहुँच गए थे। वहीं कोविड लिस्ट आधार पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसमें सुभाष पाटीदार कोरोना उपचार हेतु धार DCHC हॉस्पिटल 13 अप्रैल 2021 को भर्ती हुए थे, जिनका सैंपल 13 अप्रैल 2021 को लिया गया था। सैंपल के आधार पर रिजल्ट 14 अप्रैल 2021 को आया, जिसमें उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया था। उपचार के दौरान कोरोना लिस्ट के आधार पर 6 दिन बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सुधीर शर्मा निवासी धर्मपुरी 1 मई 2021 को DCHC पेरीफेरी में भर्ती किया गया, जहाँ सैंपल लिया गया था, जिसका रिजल्ट 2 मई 2021 को आया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया। उपचार के दौरान 6 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कोरोना लिस्ट के आधार पर धर्मपुरी निवासी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं लापरवाही के चलते जिले से 19 लोगों की कोविड अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। इस दौरान सुभाष पाटीदार का आरोप है कि लॉकडाउन लगने से कृषि उपज मंडी बंद थी, फिर भी मंडी प्रशासन द्वारा उनसे पूरे लॉकडाउन में बंद कैटरिंग के किराए स्वरूप 35 से 40 हज़ार रुपये कैटरिंग किराया वसूला गया। दादा, कोविड में लेक लिस्ट आई है जिसमें आपको मृतक बताया गया है और वहीं पे आपके मुआवजा भी सेंशन हो चुका है, तो इसमें क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे आप? कोविड तो हुआ था, लेकिन मैं तो आपके सामने जीवित हूँ सर। अच्छा। क्योंकि कोविड हुआ था, मेरे को अस्पताल में खर्चे भी लगा और पूरा ट्रीटमेंट लिया मैंने। कम से कम 1 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला, 1.5 महीने तक 2 महीने तक तो मैं खड़ा, कोविड और मेरे को डेंगू दोनों हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से मैं रिकवर होकर आया हूँ। और मेरे जो कैंटिंग थी, मेरी एक समस्या है उसमें, जैसे गवर्नमेंट की नज़र में तो मैं मृत घोषित हो चुका हूँ, लेकिन मैं मृत के बराबर ही हूँ, क्योंकि मेरा जो एक तो घर में खर्चे भी लगा, खाने पीने को भी लगा, दवाई गोली भी लगी, मेडिकल खर्चे भी लगा, और उसके साथ साथ मेरे को जो कैंटिंग थी हमारी, तो उसमें हमको कोई छूट नहीं दी गई है शासन द्वारा, पूरी छूट। कहाँ पे थी आपकी कैंटीन? कृषि उपज मंडी, अनाज मंडी। तो अनाज मंडी भी उस दौरान बंद थी? अनाज मंडी शासन द्वारा बंद थी दोनों लॉकडाउन में। कितना का किराया वसूला गया आपसे? उससे पूरा लॉकडाउन का किराया समझे कि 35-40 हज़ार रुपये पूरा मंडी प्रशासन ने लिया आपसे? पूरा मंडी प्रशासन ने लिया। राहत नहीं दिए? राहत हमने कार्रवाई भी करी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहना पड़ा अधिकारियों का? अधिकारी बोले 2 महीने आगामी बढ़ेंगे। आगामी बढ़ने का सवाल कहाँ है, ये तो अभी का अभी माफ़ करे, सामने वाला चलो ठेका छोड़ के आएगा नहीं, उसके बाद पैसा और मैंने जेवर हूँ, रकम हूँ गिरवी रख के ना तोड़ मोड़ के मैंने किराया भरा। आपका नाम? सुभाष पाटीदार। आपके द्वारा मुझे जीवित होने वाले व्यक्तियों के कोविड-19 के अनुग्रह राशि के बारे में बताया जा रहा है। मैं अभी पिछले 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ, और जो मेरी पूछताछ में बताया गया कि इन व्यक्तियों के तहसील धर्मपुरी से कोई प्रकरण जिले को प्रेषित नहीं किए गए। आगे चूँकि हमारे यहाँ से प्रकरण तैयार होकर नहीं गए, इसलिए मैं उसके बारे में स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा कि उनकी राशि कैसे स्वीकृत हुई। सर, आगे क्या कुछ करेंगे? मामला आपके संज्ञान में आ गया? नहीं, जाँच का विषय जिला स्तर का है, जिला स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। आपका नाम? CS धारवे, तहसीलदार मनावर, धर्मपुरी। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।